कल सभी से कहा गया था कि एक दिन की छुट्टी कर दीजिए। आप सबको कंबाइंड इसलिए बुलाया गया है क्योंकि वही लड़के ज्यादातर आए भी हैं जो 10 और 12 में हैं। आप लोगों से मिल के जाइएगा, जिनके परसेंटेज अच्छे हैं, मीडियम है या खराब है, तब अगर आप तीनों से मिलेंगे तो तीनों के अनुभव अलग अलग होंगे। जिसके कम होंगे वो आपको ये बताएगा कि मेरे सब्जेक्ट में नंबर कम क्यों आए, जिसके ज़्यादा हैं वो आपको ये बताएगा कि ज़्यादा क्यों आ गए। तो आपकी बार तम तोमर जो आपकी यूपी टॉपर हैं, इनके बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ भी लिया होगा पेपर में, और नहीं भी पढ़ा है जिन लोगों ने वो सुन ले। इनके पिता किसान हैं जी, संयोग हर बार ऐसा ही बनता है कि जब भी कोई टॉपर निकलता है तो उसका पिता या तो परचून की दुकान लगाता है या टैक्सी वाला होता है। आपकी बात किसान तो देखिए, तम तोमर जो टॉपर आए उनके 57.5% नंबर है, उसका हमारे लेक्चर से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। बस आपको इतना समझाते हैं कि इंटर में आपकी बार खागा तहसील का टॉपर 89% है जी। इससे ज़्यादा शायद किसी ने सुना नहीं। तहसील टॉपर जो है खागा का 89% है, और इससे ज़्यादा फतेहपुर का भी रिस्पांस नहीं दिया। सिर्फ एक कॉलेज में एक लड़के का रिस्पांस दिया जो कि प्राइवेट था, वो फतेहपुर कॉलेज में पढ़ता भी नहीं था, केवल उसका वहाँ पर नाम लिखा हुआ था। और अब की बार पूरे यूपी के टॉप 10 में फतेहपुर में केवल एक कॉलेज का नाम आया, नहीं बारह बंकी बांदा सिर्फ ये नाम आया। उसकी देखिए कई वजह थी। अब की बार इंटर में सिर्फ दो सब्जेक्ट हैं, हिंदी और अंग्रेजी। वैसे जितना से मुलाकात अब तक हमारी कोचिंग में इंटर में हुई, सबका यही है कि अंग्रेजी का पेपर बहुत अच्छा था, हिंदी का पेपर बहुत अच्छा था, लेकिन नंबर कम आए। लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि सभी के नंबर एक साथ कम हो गए? लेकिन हर बार ऐसा होता है कि हम लोगों को लगता है कि हिंदी का पेपर हमारा बहुत अच्छा गया, लेकिन नंबर उतने नहीं आते जितना पेपर हम लोग करके आते हैं। ये एक बार नहीं, कई बार हुआ है, और उसकी कई वजह है कि जो इंटर यहाँ पढ़ रहे थे उनको मैंने कई बार समझाया था लिखने के तरीके के बारे में, लेकिन अपनी मनमर्जी कुछ लोग चला के आए हैं इंटर में खूब बना रहे। सबसे कहा गया था कि आप लोग जो भी व्याख्या पढ़ेंगे, सूक्तियाँ पढ़ेंगे, वैसे तो आपकी बार नहीं आए, कहा गया था टू द पॉइंट पढ़िएगा, लेकिन हिंदी में हम लोगों को ऐसा लगता ना कि अरे व्याख्या में फेंकना ही पड़ते हैं, अंग्रेजी के एक्सप्लेनेशन रखने की कोशिश करते हैं, या फिर वो कोशिश करते हैं जो सर जी लास्ट में बता देते हैं, फिर कहते हैं कि हिंदी अंग्रेजी में नंबर कम है। क्योंकि एक्सप्लेनेशन में सही बता रहा हूँ, आप में से कई सारे लोग तो ऐसे हैं कि प्रोज का पूरा पैसेज ही नीचे उतार डालते हैं, एक्सप्लेनेशन हेडिंग डाल के पूरा का पूरा पैसेज नीचे उतार दिया। अब आप सबसे शुरुआत में ये कहा गया था कि अगर टीचर गलती कर गया तो नंबर बढ़ेंगे, या नहीं करेगा तो नंबर कहाँ से बढ़ेंगे। तो जो आपकी बार इंटर में है या आपकी बार हाई स्कूल में है, वो दोनों सुन लें कि आप लोगों के एक्सप्लेनेशन बहुत गलत हुए होंगे। इनमें से कई सारे ऐसे लड़के हैं जिनसे हर बार ये कहा गया अंग्रेजी पढ़ते हैं, 5 मिनट दोहरा और पिछले वाले सब जानते हैं। आपकी बार वालों की भी यही हालत है, अंग्रेजी बस पढ़ाने के बाद 5 मिनट तक दोहराएंगे, फिर 9 तो 11, चाहे जितना चिल्ला लो कि किसी को कुछ पूछना है तो कहेंगे नहीं सब सवाल है। हाई स्कूल वाले भी कुछ ऐसे ही कर रहे हैं कि सर जी मेरा हो रहा है तो सब निकल रहे हैं सीधा 9 तो 11, कुछ है ना हमारे इतना दिन गायब हो जाता है। तो अब की बार जो इंटर में है वो हिंदी अंग्रेजी से थोड़ी बहुत सीख ले लें कि हम सब फिजिक्स केमिस्ट्री में पूरी जी जान लगा के मेहनत करते हैं। वैसे अब की बार केमिस्ट्री के पेपर में बहुत डर था सबको, लेकिन पता नहीं सबके 82 कैसे आ गए, जो फेल है उसके भी 82 नंबर केमिस्ट्री पास है, 82 हाईएस्ट शायद 84 है, किसी का और हाईएस्ट है केमिस्ट्री में इंटर में 84 से ज़्यादा, 19 से परे नंबर लेके आया और एक केमिस्ट्री में 86 नंबर लेके आया। तो देखिए संयोग से परे था, जैसे शिवम मिश्रा है मैथमेटिक्स में इनके 91 नंबर, केमिस्ट्री में 84 नंबर, फिजिक्स में कितने शिवम 82 नंबर। अब
सोचो अगर 91, 84, 82 जोड़ भी दें तो इनके लगभग 86% फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में बन जाएंगे, PCM में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 86 बन जाएंगे, तो सोचो रिजल्ट इनका 81% या 5% फिर भाई हिंदी अंग्रेजी में मतलब आपकी बार के रिजल्ट में योगी महाराज ने दर्शा दिया कि हिंदी भाषा जय हो और वही लेके देती है। सही है भाई, ये सलाह देनी उत्तर में हाई स्कूल में जो है अंग्रेजी के साथ खिलवाड़ ना करो। जब आप सबसे कहा जाता है कि भाई एक एक अक्षर दोहरा लीजिए पूछ लीजिए तो कोशिश किया करो पढ़ लिया करो। हम लोगों की आदत बन जाती है ना कक्षा 11 में, जैसे कुछ कॉलेज हैं सिकरी बरायपुर कुल्ली जो प्राइवेट हैं, यहाँ एक रीत है कि खेल तो हो गए वालों की थोड़ी थोड़ी हड्डी रहती कहीं निपटान सनकी है ना दो चार टीचर वहाँ पे हाँ सीधा फेल कर देते 22 नंबर दें आप 25 दें भाई, जो जिस हिसाब से करेगा उस हिसाब से उसको मिलेगा। तो जो जो इंटर में कहा ना सवाल भाई अंग्रेजी पढ़ता रहा मतलब ये रीति अब की बार ना बनाओ कि एक्सप्लेनेशन का मतलब, लेकिन लास्ट में हम आप लोगों को लेक्चर इसलिए दे देते हैं जब भी बोर्ड एग्जाम से पहले एक डेढ़ घंटा समझाते हैं कि गणित में जैसे ट्रिक लगा के रिजल्ट लिख दो बीच में चाहे जो छाप दिया तो चाहे जो तब काम करता है ना जब टीचर का ध्यान नहीं गया, अगर टीचर का ध्यान गया तो फिर क्या करो। तो बहुत खुश हैं निकाल बहुत फेंका थे ये वैसे कह चुका कोई सीरियस होकर नहीं सुने सुनते फॉर्मेलिटी है पूरी की गई। अब यही फेंकना कभी कभी लग जाता है किसी वर्षा में से एक को लग गया तो हमारे फायदा होता है हमारा फायदा फायदा है कि जितने परसेंटेज दे रहे हैं इनसे हमारा नुकसान थोड़े ना। अब ये पूरी ताकत लगा के पूछा करेंगे जब अभी जनसंख्या न तो एक दो महीने में पचास देंगे 140 अच्छा ना इन्वर्टर बैठा हुआ है अंदर रख के सब बैग अंदर रख के पढ़े इनके एक क्लास में 67-68 लड़के फिर बैग अलमारी में जाते हैं फिर एक दूसरे दो दिन जहाँ जैसे अंश को ही देख लो दो तीन तो ऐसे बैठा लेते अरे समाज सेवी हूँ इनके हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर हैं मगर संस्कृत में पता नहीं इनके 67 नंबर कहाँ से। हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर है इसका, बहुत मेहनती लड़का, लेकिन हर बार एक ना एक लड़का इसमें मिल जाता है जिससे उम्मीद तो बहुत रहती है लेकिन मुख्यमंत्री उसके पीछे पड़ा रहता है। खैर कोई बात नहीं, बिना कि अगर अगली बार करवाएं तो अगले बार जरूर कोशिश करेंगे। तो भाई अभी आप सब लोग बैठे हैं, किसी के मन में अगर कोई सवाल हो जो अभी 10-12 में है तो